6.6 किलोवाट सिंगल डेक डबल ट्रे, ये आपको पड़ेगा मशीन आपको 47,000 रुपीस का पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक मॉडल है दोस्तों। उसके बाद आप डबल डेक डबल ट्रे वाला मॉडल जंबो कॉमर्शियल प्लांट लेंगे दोस्तों, 13.2 किलोवाट का मॉडल है, 75,000 का मशीन का प्राइस है विथ पैकिंग विथ ट्रांसपोर्टेशन दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉल्फिन अप्लायंस चैनल, आप सभी का खूब खूब स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों जैसे कि आप जानते हो, हमारी कंपनी डॉल्फिन अप्लायंस कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ अलग लेके आते हैं मार्केट से, कुछ ना कुछ डिफरेंट लेके आते हैं। तो वैसे ही दोस्तों आज स्पेशली हम आपके लिए लेके आए किचन इक्वायरमेंट की विशाल रेंज लेके आए, जिसके अंदर दोस्तों बहुत सारी किचन इक्वायरमेंट की प्रोडक्ट्स हमने लॉन्च किए मार्केट में, अपडेट किया हुआ है दोस्तों। हर एक मॉडल्स 2022 के लेटेस्ट मॉडल्स है दोस्तों। अगर आपका खुद का रेस्टोरेंट है, अगर आपका कोई किचन है, अगर आपका कोई खाने पीने का कैंटीन है, या तो अगर आप कोई नया कॉन्सेप्ट रेस्टोरेंट में एंटर करना चाहते हैं, तो दोस्तों ये सब मशीनरी आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी और बहुत ही अच्छी होगी दोस्तों। तो वीडियो के अंदर मैं पूरी डिटेल्स देने वाला हूं दोस्तों कि कौन सी प्रोडक्ट में क्या क्या काम किया जाता है, कौन सा प्रोडक्ट बनाया जाता है इसके अंदर से, मशीन का कैपेसिटी कितना है, मशीन के अंदर क्या क्या टेक्नोलॉजी और मशीन की प्राइस क्या है, ये वीडियो के अंदर मैं आपको दोस्तों पूरी टोटल डिटेल्स देने वाला हूं दोस्तों। तो वीडियो को स्टार्ट से लेके अंत तक देखिए, जिससे आपको पूरी नॉलेज मिले कि ये प्रोडक्ट क्या है, इसके अंदर से क्या बनता है, क्या प्रॉफिट मिलता है, कैसे मशीन मिलेगी, कैसे डिस्पैच होगी, कैसे डिलीवरी होगी। तो ये वीडियो में स्टार्ट से लेके एंड तक आप देखिए, तभी आपको मालूम होगा कि ये प्रोडक्ट क्या है और कैसे ऑपरेट होती है। सबसे पहले हम स्टार्टिंगली ये पूरी रेंज हमने रखी है, जिसमें कॉटन कैंडी मशीन है, फूड वार्मर है, जिसके अंदर पिज्जा ओवन है, बेकिंग ओवन है, सब चार कॉर्न मेकिंग मशीन है, पॉपकॉर्न मेकिंग मशीन है, फ्रायर है, डीप फ्रायर, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। तो हर एक मशीन की डिटेल्स वाइज ए टू जेड जानकारी देने वाला हूँ दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो को टाइम गवाए बिना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी प्रोडक्ट्स है, आप यहाँ पे देखते हैं कॉटन कैंडी मशीन है, इसके अंदर आप कॉटन कैंडी बोलते हैं, बुढ़ी के बाल बोलते हैं दोस्तों, कैंडी फ्लश मशीन, सुगर कैंडी बोलते हैं, ये सब प्रोडक्ट आप मशीन में से निकाल सकते हैं। ये मशीन पूरी ट्रॉली वाली है, मूवमेंट वाली है, कहीं पे भी आप इसको हिला के मूवमेंट कर सकते हो। देखिए दोस्तों इसमें टायर लगाया हुआ है, कहीं पे भी आप इसको लेके मूवमेंट कर सकते हैं। अगर आपको रोड में मार्केटिंग बिजनेस है तो भी कर सकते हैं, अगर आपको शॉप पे काउंटर पे रखना है तो काउंटर टाइप भी मशीन आती है, इसमें ट्रॉली निकल जाती है, ओनली काउंटर मशीन भी आती है। ये मशीन के अंदर दोस्तों हमारे पास गैस ऑपरेटेड मशीन है और इलेक्ट्रिक मॉडल्स दोनों मशीन अवेलेबल से। इसकी हम प्राइस आपको लास्ट में वीडियो के अंत में सभी मशीनों की प्राइस डिटेल्स वाइज देंगे दोस्तों। इसलिए सबसे पहले मैं आपको प्रोडक्ट का डिटेल बता दूं क्या है प्रोडक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों ये मशीन इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रॉनिक मॉडल है। यहाँ पे इसका टेम्परेचर कंट्रोलर दिया गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कितना हीटिंग रखना है, क्योंकि बाजार में जो मशीन सस्ती और चीपर मिलती है उसमें टेम्परेचर मीटर नहीं होता है, जिससे ओवर हीट होके उसका हीटर खराब हो जाता है या हीटर जल जाता है, जिसके हिसाब से हमने यहाँ पे इसका टेम्परेचर मीटर दिया गया है। यहाँ पे वोल्ट एम्पियर मीटर है, आपका पावर ऊपर से कितना कम ज्यादा आ रहा है आप खुद मालूम देख सकते हो, चेक कर सकते हो। यहाँ पे इसका ऑन ऑफ को स्विच दिया गया, बंद चालू इसको कर सकते हैं। यहाँ इसका ड्रॉवर दिया गया दोस्तों, इसमें आपको पैसा है, कोई भी सामान है, कोई भी आइटम है तो रखना है तो रख सकते हो आसानी से। यहाँ पे हमने एक स्पून दिया गया है, जिसके स्पून की वजह से दोस्तों आप शुगर ले लेके इसके अंदर डाल सकते हो, अलग अलग की कलर की शुगर बना के अलग अलग कलर, तीन कलर चार कलर का एक ही कैंडी फ्लस एक ही कैंडी बना सकते हैं इसके अंदर आप दोस्तों। हम इसका आपको रेसिपी पूरी आप देंगे, वीडियो बना के भी देंगे इसको कैसे ऑपरेट किया जाता है दोस्तों। तो बहुत ही अच्छी मशीन है, बहुत ही बेहतरीन मशीन है दोस्तों, अभी का लेटेस्ट मॉडल है। इसका कैप भी है, अगर आपको कैप नहीं चाहिए तो विदाउट कैप भी मिलेगा, कैप चाहिए तो विद कैप साथ में मिलेगा। कैप का फायदा ये होता है दोस्तों कि बाहर का हवा जो रहता है, हीटिंग एयर रहता है, जिससे कैंडी तुरंत पिघल जाती है, तो उसकी वजह से आसानी से आप कैंडी बना सकते हो। इसकी वजह से हमने इसका बॉक्स दिया है, ढक्कन दिया है, जो आदमी है तो आसानी से बना सकते हैं, बाहर उसका शुगर उड़ता नहीं है दोस्तों, और बाहर का एयर है वो अंदर नहीं जाता है बनाते वक्त। उसके बाद दोस्तों हमारे पास यहाँ पे फूड वार्मर है, ये फूड वार्मर है, इसके अंदर आप कोई भी फूड है, खाने पीने की कोई भी चीज है, वेज आइटम है या नॉन वेज आइटम है, कोई भी आप रख सकते हो, आपको पूरा दिन उसको हीटिंग रखेगी, खराब नहीं होने देगी। आप क्या रिटेल काउंटर है, जैसे कि पफ रखते हैं आप, समोसा रखते हैं, जैसे पिज्जा रखते हैं, कोई भी खाने पीने की आइटम बना के रेडी करके रखते हैं, तो इसको पूरा हीट करता रहेगा इसके अंदर। ये मशीन में हमारे पास सिंगल मॉडल्स भी है, ये वाला डबल ट्रे वाला मशीन है, इसमें आपको सिंगल ट्रे वाला
मशीन चाहिए तो भी हमारे पास अवेलेबल है, मिल जाएगा। 30 सेल्सियस ले लेके 90 सेल्सियस तक मशीन काम करती है। इसके अंदर सेटिंग मीटर दिया गया कि आपको कितना हीटिंग रखना है। जैसे गर्मियों के मौसम में ज्यादा हीटिंग नहीं रखना है आपको, 55 या 60 सेल्सियस तक भी आप रखते हैं। जैसे बारिश और ठंडियों के मौसम में हीटिंग ज्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि वो टाइम पे गर्म चीज ज्यादा चाहिए और फास्ट गर्म चीज देना चाहिए। तो वो हिसाब से इसका 3 लेयर दिया गया है। जो हाई हीटिंग वाली चीज है, जैसे कि नॉन वेज आइटम है, कोई भी चिकन या ऐसा कुछ भी आप रख सकते हो, तो ये पूरा हाई हीटिंग वाले में नीचे रख सकते हैं। कम हीटिंग वाली जैसे पफ है, पकोड़ा है, समोसा है, तो ऊपर आप रख सकते हो, वहां पे उसको हीटिंग कम मिलेगा, नीचे हीटिंग उसको ज्यादा मिलेगा। ये भी बहुत ही बेहतर मशीन है, पूरी ग्लास से बनाई गई है। अगर इसको प्लास्टिक या एक्रेलिक हम देते तो पिघल जाता है, उसकी वजह से हमने पूरा ये ग्लास से इसका मैन्युफैक्चरिंग असेंबलिंग करवाया दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट मॉडल आता है हमारा, फ्रायर आता है, डीप फ्रायर। आपने देखा होगा बहुत सारा रेस्टोरेंट में, और आप खुद भी खाते होगे, कोई भी जैसे वड़ा पाव है तो पकाते हैं, फ्रेंच फ्राई है, फिंगर चिप्स बोलते हैं वो भी ये फ्रायर के अंदर पकाते हैं, नॉनवेज का आइटम है, चिकन ब्रोस्ट है, वो सब चीज भी इसके अंदर पकाई जाती है दोस्तों। तेल या ऑयल डाल के इसके अंदर आप आसानी से कोई भी प्रोडक्ट्स को फ्राई कर सकते हो, डीप फ्राई। इसके अंदर हमारे पास 2 मॉडल्स अवेलेबल है, एक हमारे पास 6 लीटर का मॉडल है और एक 6 लीटर का 2 बाउल है, टोटल 12 लीटर से। इसको मैं आपको ओपन करके भी बताता हूँ, आप देख सकते हैं। ये वाला इलेक्ट्रिक मॉडल है दोस्तों, गैस वाला मॉडल नहीं है। इसमें गैस वाला चाहिए तो भी हमारे पास अवेलेबल है, ये इलेक्ट्रिक मॉडल है। इसका आप ढक्कन ओपन करेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे इसका झाली दिया गया, आप देख सकते हैं। इसके अंदर आप कोई भी चीज रख सकते हो, फ्रेंच फ्राई है या कोई भी पकोड़ा है, आलू पकोड़ा है, आलू की कचौरी है, कोई भी सामान इसके अंदर रखे हो। और इसके अंदर ऑयल रहता है, तेल भर के आपको इसमें डाल देना है, इसलिए उसके हिसाब से हीटिंग होता रहेगा। और कितना टेम्परेचर देना है यहाँ पे आप टेम्परेचर मीटर भी सेट कर सकते हो, कितना आपको ऑयल को हीट करना है, कितना गर्म करना है, वो अपने आप से अपने हिसाब से आप इसको अप डाउन कर सकते हैं दोस्तों। तो ये मशीन है, डबल टैंक वाली मशीन है, 6-6 लीटर की 2 टैंक आती है इसके अंदर, पूरी 1 यूनिट मशीन है। आप देख सकते हो पूरी स्टेनलेस स्टील से ये मशीन बनाई गई है, कहीं पे भी लोहा एमएस यूज नहीं किया। इसका ढक्कन भी है, ये भी हमने स्टेनलेस स्टील का बना के दिया है। उसके बाद दोस्तों सिंगल बाउल की है, इसके साथ 6 लीटर की है, आप देख सकते हैं। अगर आपका काम कम है, छोटा काम है, तो आप एक छोटी मशीन भी लेके अपना काम कर सकते हैं। सिंगल बाउल की 6 लीटर की मॉडल से। उसके बाद दोस्तों पिज्जा ओवन, बेकिंग ओवन, कोई भी आइटम बेक कर सकते हैं इसके अंदर। आप पिज्जा का रोटला बनाना है तो भी बना सकते हैं इसके अंदर। यहाँ पे हैवी ड्यूटी ओवन दिया गया, आप देख सकते हैं। ये ओवन की खासियत है दोस्तों कि 50 सेल्सियस से लेके 300 सेल्सियस तक काम करती है मशीन। सिंगल डेक सिंगल ट्रे मॉडल है दोस्तों, ये सिंगल डेक है, सिंगल बॉक्स है इसका, और सिंगल ट्रे इसके अंदर आप लगा सकते हो, एक ही ट्रे लगेगा इसके अंदर, इसके बाउल के अंदर एक ही ट्रे लगेगा। मशीन की खासियत है दोस्तों कि इसके अंदर हमने डबल हीटर दिया गया है, ऊपर की तरफ भी हीटर है, नीचे भी तरफ हीटर दिया। कई चीज ऐसी रहती है उसको खाली ऊपर से हीट करना रहता है, ऊपर से पकाना रहता है, नीचे से पकाने का जरूरत नहीं होता है। तो आप इसको ऊपर से पका के टेम्परेचर सेट कर सकते हो कि 150 डिग्री पे कोई प्रोडक्ट पकाना है तो 150, 200 डिग्री पे पकाना है तो 200-250, मैक्सिमम 300 सेल्सियस तक आप इसको पका सकते हो। ये इसको हैंडल करेंगे तो ऊपर का हीटर स्टार्ट होगा, इसको आप स्टार्ट करेंगे तो नीचे का जो हीटर रहता है वो स्टार्ट करेंगे। एक ही समय के अंदर आप दोनों हीटर भी स्टार्ट कर सकते हो। कोई ऐसा नॉनवेज प्रोडक्ट, कोई भी नॉनवेज आइटम खाने पीने की अगर पकाना चाहते हैं तो ऊपर नीचे का दोनों हीटर आपको ऑन कर देना है, तो आसानी से बहुत ही जल्द और फास्ट आपका कोई भी खाने का आइटम है वो आसानी से फूड पक जाएगा इसके अंदर दोस्तों। ये मशीन भी पूरी स्टेनलेस स्टील से बनाई गई है दोस्तों, बेस्ट क्वालिटी की मशीन। इसकी मैं आपको डिटेल्स देता हूं कि इसकी डिटेल्स क्या है, मैं आपको डिटेल्स इसमें देता हूं कि क्या डिटेल्स है इसकी। हमारे पास इसका कैटलॉग भी पड़ा हुआ है। मेरा ओनली अपना इलेक्ट्रिक मॉडल है दोस्तों, आप गैस से नहीं चलता है, ये इलेक्ट्रिक मॉडल है। ये मॉडल नंबर है DEO11 करके मॉडल नंबर है। 3.2 किलोवाट पावर लेगी मशीन का वेट, 40 किलो वेट है मशीन का, 40 केजी वेट है मशीन का, 3.2 किलोवाट पावर को ऑपरेट कंज्यूम करती है। मशीन की साइज अगर आपको देखनी है तो मशीन का जो आगे का फ्रंट साइज है वो 880 mm साइज है इसका। मशीन का हाइट आप नापेंगे तो 350 mm से, mm के ऊपर साइज देता हूं मैं आपको। और मशीन का जो डीप ट्रे है वो 580 mm से दोस्तों। उसके बाद हमने यहाँ नीचे जो ओवन रखा हुआ है, गैस ऑपरेट ओवन है दोस्तों। वैसे इसको पावर तो आपको देना ही पड़ेगा क्योंकि इसका जो डिजिटल फंक्शन है उसको चलाने के लिए पावर तो देना ही है, लेकिन हीटिंग करने के लिए आपको इसमें गैस देना है। इसलिए इसका पावर कंज्यूमशन आपका हो गया अराउंड 0.05 किलोवाट। ओनली अटैचमेंट ही यूज करना है इसमें, 0.5 नहीं दोस्तों, 0.05 किलोवाट पावर ऑपरेट कंज्यूम करेगा।
जैसे कि मैंने आपको बताया ये मशीन 3.2 किलोवाट ऑपरेट करता है, उसके सामने ये मशीन गैस ऑपरेटेड है, तो ये आपको 0.05 किलोवाट पावर कंज्यूम करेगा। ये मॉडल का नंबर है आपका DGO 11। इसका वजन आएगा आपको 60 केजी वेट आएगा, 60 किलो वजन है मशीन का। मशीन की साइज अगर आपको मापनी है तो 880 mm इसका फ्रंट है। मशीन का हाइट हो गया 520 mm, 520 mm हाइट हो गया मशीन का, और 580 mm डिप्ट हो गया दोस्तों। उसके बाद हैवी इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल हाई प्रोडक्शन लेवल का हमारा बेकेड ओवन है दोस्तों। इसमें सिंगल बाउल और डबल बाउल दोनों मॉडल है दोस्तों। ये दोनों मशीन इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड है दोस्तों। यहाँ पे ऑलरेडी हमने मशीन को स्टार्ट करके रखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 56 का सेल्सियस अभी ऑलरेडी इसके अंदर हीटिंग दिखा रहा है, 56 का टेम्परेचर दिखा रहा है। मैं आपको ये ऑपरेट करके भी बताऊंगा इसको। सबसे पहले अंदर से मैं जो प्लास्टिक का कैटलॉग है निकाल देता हूँ, क्योंकि हम मशीन को स्टार्ट करने वाले ऑपरेट करने वाले, इसलिए मैं निकाल देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी जीरो पे टेम्परेचर डाला हुआ है, ये जीरो है। अभी हम इसको टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इसको स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे ऑफ दिखा है, आप देख सकते हैं ये ऑफ लिखा हुआ है। अभी आप इसको यहाँ पे हम इसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे। आप देखिए यहाँ पे इसका रेड बटन दिखा रहा है, हम बढ़ा के इसको 100 नंबर्स पे ले जाते हैं, 100 का टेम्परेचर दे रहे हैं, ऑन हो गया यहाँ पे। अभी धीरे धीरे यहाँ का जो हीटिंग है टेम्परेचर वो बढ़ता रहेगा। वैसे ही हम नीचे की साइड, हमने आपको जो बताया कि नीचे भी इसमें हीटर है, उसका भी सेटिंग हम यहाँ पे बढ़ाएंगे। आप देखिए इसको भी हम 100 नंबर्स पे लगा देंगे, ये 100 नंबर्स पे आ चुका है, यहाँ पे ऑन दिखा रहा है। टाइमर सेटिंग हमने यहाँ पे 9 मिनट का रखा है, लेकिन अभी हम टाइमर सेटिंग इसको बना के 2 मिनट का कर देते हैं, क्योंकि वीडियो में अपने पास टाइम नहीं है उतना। स्टार्ट हो चुका है टाइमिंग, 2 मिनट के अंदर अगर सेल्सियस हुआ या नहीं हुआ फिर भी ये 2 मिनट के अंदर ऑटो कटआउट सिस्टम लगा देगी। टाइमर अगर यूज नहीं करना है तो आप इसका स्विच बंद कर सकते हो, अगर यूज करना है तो स्टार्ट कर सकते हो। मशीन के अंदर लाइट स्टार्ट है, लाइट का स्विच यहाँ पे, अगर लाइट आपको बंद करना है तो आप बंद कर सकते हैं, लाइट बंद हो चुका है। स्विच स्टार्ट करने से लाइट स्टार्ट हो चुका है। अब देखिए अंदर का जो लाइट है पूरा अभी स्टार्ट है अंदर का। अभी हम इसको बंद कर दे रहे हैं क्योंकि अभी हमने मशीन को हीटिंग सिस्टम पे स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे ऑन हो गया है मशीन अपना। उसके बाद हमारा इसका भी मैं आपको डिटेल थोड़ा बता देता हूँ, क्या इसका साइज है, क्या फंक्शन है। ये हमारा मॉडल है VEO 12 नंबर्स का मॉडल है। इसका वजन है, वेट है 83 kg का वजन है। पूरी मशीन स्टेनलेस स्टील से बनाई गई है दोस्तों। 6.6 किलोवाट पावर कंज्यूम करेगी आपकी ये मशीन। मशीन की साइज अराउंडली 1220 mm का फ्रंट है इसका, 815 mm का डिप्ट है इसका, बाहर से लेके डिप्ट 815 है, और 580 mm का हाइट है। यहाँ से लेके नीचे तक का जो यहाँ तक का हाइट है मशीन यहाँ तक की है, बाकी का साइज नीचे से ऊपर तक इसका है, बाकी अभी हाइट इसका इतना ही दिया गया हमने इसके अंदर, ठीक है। पावर है आपको 220-240 वोल्ट से पावर कंज्यूम कर सकती है। 50-60 Hz इसका फैन क्यूसी रहता है इसका दोस्तों, ठीक है। वही हिसाब से हमारा ये जंबो मॉडल है, डबल डेक डबल ट्रे। ये सिंगल डेक डबल ट्रे है, सिंगल डेक के अंदर एक ही साथ आप डबल ट्रे लगा सकते हो। ये वाला डबल डेक डबल ट्रे मॉडल हैवी ड्यूटी जंबो मॉडल है। इसके अंदर भी ऊपर का हीटर है, नीचे का हीटर है, टाइमर है इसका, ऊपर का हीटर है, नीचे का हीटर है, टाइमर है इसका। दोनों का सिस्टम सेपरेट दिया गया, आप देख सकते हैं दोनों का सिस्टम अलग अलग यहाँ पे दिया गया है। इसका भी मैं आपको बाउल खोल के बताता हूँ, आप देख सकते हैं दोस्तों ये ओपन कर दिया है हमने, देख सकते हैं यहाँ पे आप पूरा इसको, अंदर का लाइटिंग सिस्टम देखिए पूरा, नीचे का हीटर पूरा स्टार्टअप हमने कर दिया इसमें। अब देख सकते हैं यहाँ पे इसका हीटिंग 69 सेल्सियस और 81 सेल्सियस नीचे का है, 70 का सेल्सियस ऊपर का है, आप देख सकते हैं हमने हीटर स्टार्ट कर दिया इसका, ऑलरेडी हीटिंग बढ़ना चालू हो चुका है। फिलहाल ऑलरेडी 71-72 का सेल्सियस का टेम्परेचर आ रहा है इसके अंदर दोस्तों। अभी हम इसका टेम्परेचर थोड़ा इसका टाइमिंग बढ़ा देते हैं इसका, हम 5 मिनट का टाइमिंग। उतनी देर में मैं आपको दूसरी मशीन की सामने डिटेल देता हूं दोस्तों। यहां पे हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है ग्रीडल है, आप यहां पे देख सकते हैं। एक ग्रीडल बोलते हैं इसको दोस्तों, तवा प्लेट बोलते हैं। जैसे कि पाव भाजी या कोई भी तवा का जो गैस वाला रहता है वैसा ऑटोमेटिक
इलेक्ट्रॉनिक हीटिंग सिस्टम वाला प्लेट है इसका, और आप देख सकते हैं ऊपर प्लेट डाला हुआ है। इसके अंदर आप कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हो, जैसे कि आमलेट बनाना है आपको, डोसा बनाना है, या कोई भी प्रोडक्ट इसके ऊपर प्लेट के ऊपर बनाना है। यहाँ पे हीटिंग सिस्टम इसमें भी दिया है, कितना सेल्सियस आपको सेट करना है ऑटोमेटिकली यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। 50 सेल्सियस से लेकर 300 सेल्सियस तक आप ऑटोमेटिकली सेट कर सकते हो, ये पूरा सिस्टम दिया है। और यहाँ पे जो ऑयल या कुछ भी बचेगा तो इसके अंदर ऑयल आ जाएगा, ऑयल का बॉक्स भी दिया गया है कि बचा हुआ ऑयल आपका वेस्ट नहीं जाएगा, वहां से आसानी से आप ऑयल डाल के इसके अंदर बाउल में ले सकते हैं दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा कोन मेकिंग मशीन, सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन जो रहता है। आइसक्रीम बना रहे हो आप, या आइसक्रीम का कोई बिजनेस कर रहे हो, या कोई आपके पास हेवमोर का फ्रेंचाइजी है, या वाडीलाल का आप आइसक्रीम सेल कर रहे हो, तो उसका जो कोन रहता है वेल्फी कोन बनाने के लिए, ये वेल्फी कोन मेकर आप देख सकते हैं, ये प्लेट है। इसके अंदर आप घर बैठे वेल्फी कोन बना सकते हो। इसके अंदर एक कोन का शेप का मोल्ड भी मशीन के साथ में आपको देते हैं दोस्तों। ये मशीन है डबल ट्रे का मॉडल है, डबल डेक का मॉडल है पूरा, दो ट्रे एक ही साथ में आता है। इसमें अगर आपको सिंगल चाहिए तो सिंगल भी हमारे पास अवेलेबल है, डबल चाहिए तो आप डबल भी ले सकते हैं। इसमें भी हीटिंग सिस्टम प्लस टाइमिंग सिस्टम, अगर आपको बार बार देखना जरूरत नहीं है कि भाई बार बार जाके देखूं पका के नहीं पका, पका के नहीं पका, तो ये चीज आप वन टाइम उसको सेट कर सकते हो कि अराउंडली आपने 150 सेल्सियस टेम्परेचर दे दिया और अराउंडली 2 से 3 मिनट का टाइमिंग दे दिया, तो सेट करके ऑटोमेटिक होगा, रेडी हो जाएगा। इसलिए इसमें साइरन बजेगा, उसका बेल बजेगा उसके अंदर दोस्तों, ठीक है। ये ऑलरेडी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा मशीन रेडी हो चुका है, 108 सेल्सियस और 118 सेल्सियस टेम्परेचर आ चुका है इसके अंदर। अभी हम मशीन को स्टार्ट निकालेंगे, बाउल देखिए अंदर से धुआं निकल रहा है, आप देख सकते हैं पूरा हीटिंग और धुआं आ रहा है इसके अंदर से, क्योंकि ऑलरेडी वो हीट हो चुका है। अभी हम इसको बंद कर देंगे यहाँ से, ऑलरेडी ये तो ऑफ हो चुका है, आप देखिए अभी तो ये हमने सेट किया है फिर भी ऑफ हो चुका है, क्योंकि हमने जितना सेट किया है वहां तक ऑफ हो चुका है, फिर भी हम इसको बंद कर देंगे। अभी ये पूरा हीटिंग हो चुका है अंदर का, आसानी से अराउंडली 2 से 3 मिनट के अंदर ही पूरा हीट पकड़ लिया इसने प्रॉपरली। हमने तो सेट किया था 100 पे किया था, लेकिन ये चला गया 123 पे, क्योंकि हीटिंग जितना बढ़ता रहेगा मैक्सिमम वहां तक ही हीटिंग आएगा, लेकिन मशीन ऑटो कट मार देगा, जब 100 नंबर आएगा तब ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा वो मशीन, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारा कॉर्न मेकर के बाद वेल्फी मेकिंग मशीन आप देख सकते हैं, ये वेल्फी मेकिंग मशीन है, जो बेल्जियम वेल्फी जो बाजार में आप खाते हैं, वेल्फी बना के उसमें आइसक्रीम डाल के टॉपिंग्स डाल के चॉकलेट का टॉपिंग्स डाल के सब बना के आपको खिलाते हैं बाजार में, उस टाइप का वेल्फी आप घर बैठे अपने आप अपने दुकान पे अपने शॉप पे बना के आप भी इतनी सी छोटी सी मशीन लेके आप वेल्फी होममेड बना सकते हैं। इसका रेसिपी, इसका पाउडर, इसका इंटीग्रेंट सब बाजार में मिलता है, हमारे पास भी अवेलेबल है। आपको इसका इंटीग्रेंट चाहिए, कौन का इंटीग्रेंट चाहिए, तो सब हमारे पास अवेलेबल है। वेनिला का, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, बटरस्कॉच, अलग अलग फ्लेवर का इंटीग्रेंट पाउडर मिलता है हमारे पास से, चाहिए तो हमारे से ले सकते हैं, बाकी हम आपको डायरेक्टली डीलर का नंबर आपके सिटी में देंगे तो वहां के लिए भी हम आपको बता देंगे। उसके बाद दोस्तों हमारा ये फ्रायर है, जैसे हमने आपको इलेक्ट्रिक फ्रायर बताया वैसे ही हमारा ये गैस फ्रायर है दोस्तों, ये गैस से काम करेगा, इसमें इलेक्ट्रिक का कोई जरूरत नहीं है। जहां पे पावर का अनुकूलता उपलब्धता नहीं होता है वहां पे आप गैस वाला फ्रायर, डीप फ्रायर आप ले सकते हैं दोस्तों। ये मशीन भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये 12 लीटर टैंक का है मशीन, आप देख सकते हैं इसका टैंक, देख सकते हैं यहाँ से टैंक दिखाइए, इसका फोल्डिंग टैंक है, 12 लीटर का टैंक है इसका। ये 12 लीटर टैंक के अंदर आप आसानी से डीप फ्राई कर सकते हो इसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट मॉडल है हमारा पॉपकॉर्न मेकिंग मशीन है। पॉपकॉर्न आप भी खाते हो गए, मार्केट में थिएटर है, कोई सिनेमा में कोई मूवी सब जगह देखने जाते हैं, तो पॉपकॉर्न बहुत ही अच्छा सब लोग खाते हैं, बहुत ही फेवरेट होता है सभी लोगों का, तो इस टाइप का पॉपकॉर्न मेकिंग का पूरा ट्रॉली भी ले सकते हो। अगर आपको खाली मशीन चाहिए तो खाली मशीन ले सकते हो, अगर पूरा मूवमेंट वाला ट्रॉली चाहिए तो ट्रॉली भी ले सकते हो। ये आप देख सकते हैं पूरा इसको कहीं पे भी आप मूवमेंट कर सकते हो। ये वाला पॉपकॉर्न मशीन हमारा इलेक्ट्रॉनिक मॉडल है दोस्तों, इलेक्ट्रिक से वर्क होता है, पावर से वर्क होता है। ट्रॉली वाला चाहिए तो भी इलेक्ट्रिक मिलेगा, खाली मशीन चाहिए तो भी इलेक्ट्रिक मिलेगा, क्योंकि गैस वाला पॉपकॉर्न मशीन सक्सेस नहीं है, कस्टमर का बहुत प्रॉब्लम आता है, उसके हिसाब से हमने वो लॉन्च किया नहीं, हमारे कस्टमर को देते नहीं वो चीज़, क्योंकि गैस वाले में बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, गैस रखने का बंदोबस्त नहीं होता है, गैस ऑपरेट करने का बंदोबस्त नहीं देता है, पॉपकॉर्न बनाने के बाद ओवर हीटिंग होकर जल जाता है, इसलिए हम इलेक्ट्रिक मॉडल जो सक्सेस मॉडल है वही मॉडल रखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये सब मशीन जो हमने अभी आपको शो की, वैसे तो हमारे पास बहुत ही अलग अलग दूसरे भी प्रोडक्ट है, जैसे शोरमा मेकिंग मशीन है और दूसरे बहुत सारे किचन इक्विपमेंट के प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन हम वीडियो में इतना सारा नहीं दिखा सकते दोस्तों। उसके हिसाब से मैंने आपको जो मशीन बताया, अभी सभी मशीनों का आपको प्राइस डिटेल वाइज बता देता हूं।
हमारे प्राइस लिस्ट भी पड़ा हुआ है इसका आपको वीडियो के अंदर, हमने आपको कमिट किया था कि हम आपको प्राइस बताएंगे दोस्तों इसके अंदर। और प्राइस जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बेसिक प्राइस है, इसके ऊपर डिस्काउंट और ऑफर अवेलेबल रहते हैं। तो आप एक बार फाइनल प्राइस के लिए हमारी कंपनी के नंबर पे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हो, जिससे आपको फाइनल और बेस्ट प्राइस हमारी कंपनी के सेल्स टीम आपको प्रोवाइड कर सके। दोस्तों जो मैं भी प्राइस आपको बताऊंगा, ये प्राइस आपको कंप्लीट मशीन विथ पैकिंग विथ ट्रांसपोर्टेशन ऑल ओवर इंडिया कोई भी लोकेशन पे फ्री डिलीवरी हम करके देंगे दोस्तों, ये सब प्राइस के अंदर इंक्लूड है दोस्तों। और ये प्राइस जो मैं बोलूंगा वो भी नेगोशिएबल प्राइस, इसमें भी आपको प्राइस में डिस्काउंट मिलेगा। चलिए दोस्तों मैं सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसका, हमारा जो कॉटन कैंडी है, जो कॉटन कैंडी ट्रॉली वाली इलेक्ट्रिक मॉडल है, इलेक्ट्रॉनिक कॉटन कैंडी ट्रॉली वाली, ढक्कन का बिना प्राइस बताऊंगा आपको, ढक्कन का प्राइस नहीं दूंगा, ढक्कन के बिना का आपको प्राइस देता हूं मैं आपको। कॉटन कैंडी इलेक्ट्रिक ट्रॉली 27,000 रुपीस की, 27,000 रुपए की कंप्लीट मशीन विथ पैकिंग विथ ट्रांसपोर्टेशन। बेस्ट प्राइस के लिए कॉन्टेक्ट हमारी टीम से करिए आप। खाली मशीन चाहिए आपको, ट्रॉली नहीं चाहिए और इलेक्ट्रिक खाली मशीन चाहिए, तो खाली मशीन का आपको प्राइस इसका बता देता हूं मैं। कॉटन कैंडी इलेक्ट्रिक मशीन 18,500 रुपए की इलेक्ट्रिक मशीन आएगी, ओनली मशीन। गैस वाली मशीन चाहिए तो 1,000 रुपया बढ़ जाएगा, 19,500 रुपए की खाली मशीन पड़ेगी। पूरी ट्रॉली गैस वाली चाहिए तो 28,000 रुपए की, 28,000 रुपीज की पड़ेगी दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट में आपको ये हमारा जो सेकेंड प्रोडक्ट आ गया, फूड वार्मर दोस्तों। ये बड़ा जो फूड वार्मर है जो आपको वीडियो में दिखाया गया है, ये बड़ा फूड वार्मर का कीमत है दोस्तों 17,000 रुपये कीमत है, 17,000, 17,000 रुपये कीमत है विथ पैकिंग विथ ट्रांसपोर्टेशन। प्राइस नेगोशिएबल है, आप बेस्ट प्राइस के लिए कॉन्टेक्ट करें। इसमें छोटा मशीन चाहिए, आधा मशीन सिंगल ट्रे वाला चाहिए तो 15,500 रुपये का पड़ेगा दोस्तों, उसमें भी प्राइस नेगोशिएबल रहेगा दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट आया हमारा डीप फ्रायर, डबल टैंक वाला सिंगल टैंक वाला, 3 नंबर प्रोडक्ट हमारा डीप फ्रायर आ गया। 6 लीटर का आप लेंगे तो 4,500 रुपए का डीप प्राइस पड़ेगा विथ पैकिंग विथ ट्रांसपोर्टेशन। प्राइस में थोड़ा गुना नेगोशिएबल हमारी सेल्स टीम करेगी इसके अंदर दोस्तों। उसके बाद डीप फ्रायर डबल्स, 6-6 लीटर का डबल का टैंक का डीप फ्रायर इलेक्ट्रॉनिक मॉडल आप लेंगे तो 8,200 रुपए का कीमत पड़ेगा आपको दोस्तों। इसमें भी प्राइस आपको नेगोशिएबल हो जाएगा दोस्तों, इसमें इसका प्राइस विथ पैकिंग विथ ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट में आ गया अभी अपना बेकिंग ओवन, इलेक्ट्रिक ओवन 3.2 किलोवाट, ये 3.2 किलोवाट है इलेक्ट्रिक ओवन है, 26,000 कीमत है, 26,000 कीमत है, कंप्लीट मशीन विथ पैकिंग विथ ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद हमारा आ गया इलेक्ट्रिक ओवन, उसके बाद नीचे गैस ओवन है हमारा, गैस ओवन का हमारा गैस ओवन सिंगल ट्रे सिंगल डेक सिंगल ट्रे, इसका 0.05 किलोवाट मॉडल है, 48,000 कीमत है, 48,000 रुपया कीमत है विथ पैकिंग विथ ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद हमारा जो जंबो कॉमर्शियल मॉडल है आपको जो स्टार्ट करके हमने बताया था, जो ऑपरेट करके दोनों मॉडल बताया था, इसका प्राइस मैं बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक ओवन सिंगल 6.6 किलोवाट सिंगल डेक डबल ट्रे, ये आपको पड़ेगा मशीन आपको 47,000 रुपीज का पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक मॉडल है दोस्तों। उसके बाद आप डबल डेक डबल ट्रे वाला मॉडल जंबो कॉमर्शियल प्लांट लेंगे दोस्तों, 13.2 किलोवाट का मॉडल है, 75,000 का मशीन का प्राइस है विथ पैकिंग विथ ट्रांसपोर्टेशन दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट में आएगा ग्रीडल के ऊपर आएंगे दोस्तों हम, 3 किलोवाट का मॉडल है, 3 किलोवाट का ये वाला जो मॉडल है 3 किलोवाट मॉडल है, इसका कीमत आपको रहेगा 10,500 रुपीस रहेगा, कंप्लीट मशीन विथ पैकिंग विथ ट्रांसपोर्टेशन। प्राइस नेगोशिएबल है, थोड़ा गुना कम ज़्यादा हो सकता है, आप सेल्स टीम से कॉन्टेक्ट करके प्राइस निकाल सकते हैं दोस्तों। इसमें बड़ा मॉडल भी है अगर आपको बड़ी साइज का चाहिए, 4.4 किलोवाट, जिसमें आधा ट्रे प्लेन रहता है और आधा ट्रे रहता है वो ग्रिप किया हुआ रहता है, तो वैसा भी अगर आपको बड़ा वाला भी चाहिए 4.4 किलोवाट का तो 19,000 रुपए का, 19,000 का दोस्तों। उसके बाद हमारा जो ये वेल्फी कॉर्न मेकर है, इलेक्ट्रिक कॉर्न मेकर, इसमें आप सिंगल बाउल का लेंगे, जैसे कि ये सिंगल है वैसा सिंगल बाउल का लेंगे तो 10,500 का पड़ेगा विथ पैकिंग विथ ट्रांसपोर्टेशन में, अगर आप डबल का लेते हैं दोस्तों तो 19,500 का पड़ेगा विथ पैकिंग विथ ट्रांसपोर्टेशन। इसका भी प्राइस नेगोशिएबल है, आप कॉन्टेक्ट करके बेस्ट प्राइस ले सकते हैं दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट है वेल्फी मेकिंग मशीन, इसका कीमत है दोस्तों इलेक्ट्रिक वेल्फी मेकिंग मशीन 19,500, इसके समान ही प्राइस है दोनों का, आप वेल्फी बनाओ या कौन बनाओ, इसका दोनों का मोल्ड अलग अलग रहता है लेकिन मशीन का सिस्टम समान रहता है दोस्तों। तो 19,500 सिंगल का है, डबल का आपको वेल्फी मेकिंग मशीन रहेगा
19,500 का सिंगल का, 10,500 का विथ पैकिंग विथ ट्रांसपोर्टेशन। अभी बात करते हैं दोस्तों हमारा पॉपकॉर्न मेकिंग मशीन, अगर आप पूरा ट्रॉली लेते हैं कंप्लीटली सेम सिस्टम के अंदर आप लेते हैं पॉपकॉर्न मशीन इलेक्ट्रिक ट्रॉली मॉडल, 26,600 रुपया है विथ पैकिंग विथ ट्रांसपोर्टेशन, प्राइस नेगोशिएबल है, बेस्ट प्राइस हम आपको डिस्काउंट करके दे सकते हैं दोस्तों। ओनली मशीन चाहिए, ट्रॉली नहीं चाहिए आपको, ये ट्रॉली नीचे का नहीं चाहिए, खाली यहाँ से लेके यहाँ तक मशीन चाहिए, ये आपको पड़ेगा 17,000 रुपए का, 17,000 का मशीन पड़ेगा विथ पैकिंग विथ ट्रांसपोर्टेशन। मशीन थोड़ा बता देता हूँ आपको, साइड में घुमा के आप देख सकते हैं पूरा, इसका यहाँ पे बॉक्स दिया गया, पूरी मशीन कांच से बनाई गई है दोस्तों, यहाँ पे आप डोर खोल के सर्विंग कर सकते हो, बेहतरीन क्वालिटी का बाउल स्टेनलेस स्टील का दिया गया है, यहाँ से आप मशीन स्टार्ट करिए, यहाँ से अगर हीटिंग करना है तो हीटिंग का बटन है, और यहाँ पे वार्मिंग का है, गर्म करना है आपको वार्मिंग लाइट, जैसे कि आपने स्टोर करके पड़ा हुआ है उसको हीटिंग करना है आपको, तो उसके लिए भी हमने हीटर दिया गया है कि आप एक साथ 10-20 बॉक्स स्टोर में बना के रख सकते हो और वो भी गर्म रहेगा, ऐसा नहीं कि आपको कस्टमर आए तब नया बनाना पड़ेगा, जो आपने स्टोर किया है वो भी पूरा दिन हीटिंग और गर्म रहेगा, आप सीधा बाउल भर के इंस्टेंट डिलीवरी दे सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको ये सब चीज किचन इक्विपमेंट के हमारे जो जो प्रोडक्ट ऑलरेडी लॉन्च किए हैं उनकी सबकी प्राइस के साथ मैं डिटेल्स दी है, कोई भी मशीन की ज्यादा डिटेल्स ज्यादा जानकारी के लिए हमारी कंपनी के दिए गए वीडियो में नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट करके हर एक डिटेल्स फोटोज वीडियोज ब्राउचर कैटलॉग मशीन का साइज क्या है वेट क्या है किसे मिलेगी कितना टाइम में डिलीवरी मिलेगी हर एक जानकारी हर एक प्रोडक्ट की ले सकते हैं, बेस्ट और डिस्काउंट प्राइस क्या है वो भी आप ले सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह के बेहतरीन क्वालिटी के मशीन की अलग अलग नए नए वीडियोस के लिए डॉल्फिन अप्लायंस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, जिससे आपको हमारे नए नए प्रोडक्ट्स नए नए वीडियो हम क्या क्या लॉन्च कर दे, क्योंकि हर वीक हर 4-5 दिन में कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट हम लॉन्च करते रहते हैं दोस्तों। तो इस तरह के बेहतरीन मशीन के लिए डॉल्फिन अप्लायंस पर जरूर कॉन्टेक्ट करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग डॉल्फिन अप्लायंस।